पार्बोइलिंग क्या होती है? राइस। अर्थिंग अप काय होती है? पोटैटो। ग्राउंडनट पे भी हो जाएगी, शुगर केन पे भी हो जाएगी। लिपिंग। लिपिंग काय होती है? लूसर। डीगमिंग। डीगमिंग काय होती है? सॉलिड। प्राइमिंग। प्राइमिंग 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 हां सॉरी सॉरी प्राइमिंग तो मैं तो गया पत्तियों को तोड़ना प्राइमिंग कहलाता है। एरोइंग शुगर केन। ठीक है नेक्स्ट पार्बोइलिंग लैपिंग प्रोसेस में समझा नहीं रहा हूं कि कल जो आएंगे वो फिर पूछेंगे इसलिए थोड़ा अपन इसको भी जो जो याद रहेगी याद कर लो फिर आगे बढ़ो। लैपिंग तो भाई ठीक है आगे बढ़ो। स्टैंडिंग सल्फा। लूपिंग ये लूपिंग वाला इंपॉर्टेंट है ये दूसरा एक्शन है इंपॉर्टेंट डीएस रिलेटेड मैं लिखवा दूंगा तुमको सारे अभी इसमें से छोड़ दो क्योंकि इसमें कहां तक लिखा है बस उनसे ये तक लिखा है उसके आगे भी लिखने पड़ेंगे। चल इंडियन नेशनल सिंबल हां ये बहुत इजी टेबल है इसको याद कर लो 2 मिनट में तुमको दे रहा हूं। नेशनल ट्री नेशनल ट्री सबको पता है बेनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़ पहला नाम याद करो उसका साइंटिफिक अभी क्या नाम है फिकस बेंगलेस फिकस बेंगलेस। नेक्स्ट नेशनल बर्ड बर्ड है अपनी पाओ डिस्टेंस मतलब मोर। नेशनल फ्लावर फ्लावर है अपना अभी पूछा था मैंने ना नहीं फ्लावर नहीं फ्रूट पूछा था फ्लावर कौन है कमल वाला लोटस है ना लोटस का नाम है नेलम्बो न्यूसिफेरा। नेशनल फ्रूट फ्रूट अपना मैंगो है मैंगो का नाम है मैंजी फेरा। नेशनल एनिमल एनिमल है अपना टाइगर टाइगर तो पेंथ्रा टाइगर। नेशनल रिवर रिवर अपनी है गंगा ब्रह्मपुत्र गंगा होगी। वर्ल्ड फूड प्राइज ये देखो वर्ल्ड फूड प्राइज मिलता है उनमें से कब कब इंडिया को मिला है ना कब कब किसको मिला ये वाला 1987 एमएस स्वामीनाथन को सबसे पहले वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। 1989 वर्गीस कुरियन को मिला। 1996 जीएच बुश जीएच बुश को मिला। ये अपने इंडियन है जिनको मिला है ना हर बार अपने को नहीं मिला ठीक है कब कब अपने इंडियन वाले को मिला ये। अब फूड प्राइज से क्यों देते हैं देखो जो भी इंसान कोई भी ऐसी चीज करे जिससे कि की अवेलेबिलिटी बढ़े जैसे स्वामीनाथन ने क्या करा बोलो ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या ज्यादा प्रोडक्शन हुआ वीट और राइस दुनिया का पेट भरा है ना तो फूड प्राइस मिला। फिर आगे वर्गीस कुरियन ने क्या करा था व्हाइट रिवॉल्यूशन की वजह से काय का प्रोडक्शन बढ़ा मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो बोलो क्या मिला उनको फूड प्राइस। नेक्स्ट डॉक्टर बी आर बार वाले 1980 को भी मिला इनने क्या करा ये मुझे नहीं पता। 2000 डॉक्टर एस के वसल के मेज के निशान इनने कुछ करा मेज में। 2005 डॉक्टर एम वी गुप्ता ये इतने सारे हैं ठीक है हमें किसी का याद नहीं रखना बस स्वामीनाथन का याद कर लेना कि स्वामीनाथन को कब मिला था 1987 2014 संजय राजू ठीक है। अभी ये मैं पत्रकार साहित्य में पहले ही पढ़ा चुका हूँ ना कि कौन सी कहाँ से आ रही है कि कब कब निकली है फिर भी एक बार फिर से देख लो हमें इतना अंदर नहीं जाना कि वीकली है कि क्वार्टरली है कि इतना अंदर नहीं जाना बेसिक बस इतना पता होना चाहिए कौन सी कहाँ से आ रही है ना। चलो एग्री मैगजीन साप्ताहिक कृषि जगत भोपाल। हाँ देखो कृषि जगत दूध और दुनिया कृषि जगत कृषि दूध और कृषि दुनिया ये तीनों कहाँ से आ रही है भोपाल। क्वेश्चन इनका आया नहीं आज तक जो आया है क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया नीचे देखो इंडियन फार्मिंग का आया है ना कृषि चाइनी का आया है किसान भारती और कृषक भारती दो किसान भारती कहाँ से आ रही है कृषक भारती कहाँ से आ रही है ना किसान वाली पंतनगर इस पे क्वेश्चन आया अभी हमसे पूछा था किसान भारती कहाँ से आती है पंतनगर और कृषक भारती कहाँ से आ रही है सेवाग्राम दिल्ली है ना सेवाग्राम वाली देवी जहाँ तक ज्यादातर देखोगे जिसमें भी ग्राम ग्राम है ना वो सब कहाँ से आ रही है देवी से देख लो एक बार चल आगे फोर्टनाइटली ग्राम पाक्षिक आ रही है फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन में जो छपके आ रही है। अब हमें इतना याद नहीं करने की फोर्टनाइटली आ रहा है कि आ रहा है नहीं आ रहा है क्वेश्चन बस इतना आता है कि आईसीआरसी वाली कौन सी मैगजीन कहाँ से आती है ठीक है इतना अंदर जाओगे याद नहीं रहा यही याद नहीं रहा कि कहाँ से आती है तो फिर वो याद करने से क्या मतलब कि वीकली आती है कि क्वार्टरली आती है। ग्राम सेवक दिल्ली हाँ ग्राम वाली सारी दिल्ली छोड़ो आगे बढ़ो मंथली उन्नत कृषि दिल्ली ये याद कर लेना थोड़ी सी ना दिल्ली वाली
कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र की है ना, ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली, कृषि व पशुपालन ठीक है लखनऊ, लखनऊ से आ रहे, कृषि वाणी लखनऊ, कृषि समाचार, कृषि समाचार लखनऊ, लखनऊ, ये तीनों वाणी समाचार और पशु, पशु वाणी समाचार ऐसे याद रखते थे, पशु वाणी समाचार बराबर लखनऊ, फिर ऊपर थी देखो जगत दुनिया बराबर भोपाल है ना, ऐसे आ सकती है, और ग्राम ग्राम वाली सारी कहाँ दिल्ली, खेती इंडियन फार्मिंग इंग्लिश में और हिंदी में नाम क्या है खेती, फलफूल आईसीआरसी इंग्लिश में, इंडियन हॉर्टिकल्चर नाम है, खाद्य पत्रिका एफएआईबी ये इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा टिक कर ले इसको, कुरुक्षेत्र और खाद्य पत्रिका टिक कर ले, धरती के लाल, धरती के लाल नई दिल्ली, नई दिल्ली से आ रही, तंबाकू मद्रास, तंबाकू के लिए देखो कहां पर है चेन्नई है ना, तो चेन्नई से आई, तिलहन पत्रिका, हां तिलहन वाले ऑयल सीड कहां से आई, हैदराबाद, हैदराबाद, गन्ना, गन्ना लखनऊ से आया, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था IISER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च वो कहां है लखनऊ, तो पत्रिका भी कहां से आ गई लखनऊ, लोक विज्ञान उदयपुर, कृषि लोग जोधपुर, इतनी सारी याद नहीं करनी, जोधपुर जोधपुर राजस्थान वाली कोई सी मत करो ठीक है, दिल्ली वाली कर लो, कोई सी एमपी से आ रही तो वो कर लो बहुत है, और आईसीआर से जो जो आ रही है ठीक है कर लोगे, बस इतना याद करना है कि कहां से, और जो मेजर है जैसे देखो किसान भारती दिख रही है, किसान भारती कब आ रही है ये भी देख लो, भले 15 दिन में आ रही होगी, मंथली आ रही है ना, और आईसीआर वाली जो इंडियन फार्मिंग है वो कब आ रही है, मंथली है, ज्यादातर बड़ी मैगजीन मंथली आ रही है, तोड़ सकते हैं इस बात को, इधर जनरल वाली देख लो कौन सी जनरल कहाँ से आ रही है, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, हाँ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से आ रही है, इंडियन जर्नल ऑफ हॉर्टिकल्चरल साइंस, हॉर्टिकल्चरल साइंस वाली कहाँ से आ रही है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी, हाँ एग्रोनॉमी साइंस वाली भी कहाँ से आ रही है, न्यू दिल्ली, इंडियन जर्नल ऑफ वीट, वीट साइंस वाली कहाँ से आ रही है, जब इस तरह लगा दे जो भी एमपी वाली बात है वो अपने लिए काम की, इंडियन जर्नल ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, हाँ ये देहरादून से आ रही है, क्योंकि देखो मैंने बता दू तुमको फॉरेस्ट एंड सॉइल कंजर्वेशन वाला जो है वो कहाँ पर है, देहरादून, फॉरेस्ट्री वाला भी कहाँ है देहरादून, और एग्रो फॉरेस्ट्री वाला कहाँ है झांसी, मैं इसे याद करो फटक, चल आगे बढ़ो, जर्नल ऑफ इंडियन पोटेटो एसोसिएशन, हाँ शिमला, शिमला से आएगी क्योंकि पोटेटो के लिए सारी चीज कहाँ है, जर्नल ऑफ फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम स्टार लगा लेना इसका, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला कहाँ है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है, लुधियाना, ऐसे भी याद रहा तो अपना काम हो मैगजीन्स, मैगजीन्स तो देखो मैं तुम्हें ये समझाने चाह रहा हूँ कि अपनी एनर्जी को हम कहाँ सेव कर सकते हैं और कहाँ उसको बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, देखो तुम्हारे पास भी चॉइस घंटे है ना, कोई भी व्यक्ति हुआ जो जॉब कर रहा है उसके पास भी चॉइस घंटे, पर वो उस चॉइस घंटे में कितना ज्यादा याद कर रहा है और कितनी अच्छे तरीके से याद कर रहा है, अपनी एनर्जी को बचाना भी जरूरी है, फालतू नहीं करना याद अपने को कहीं भी, और उसको सही जगह यूटिलाइज करना भी जरूरी है ना, तभी आप काम बनेगा, इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान सुनना, कोई भी आगे मत चलने का प्रयास करना क्या मैं पहले ही पढ़ दूँ, क्योंकि पहले पढ़ दोगे अच्छी बात है, पर उससे आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढ़ दूँ, पहले ही पढ़ दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सर कैसे याद करने का बोल रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा का फालतू इस्तेमाल कर दो, उसकी बजाय एक बार पूरा पीछे का पढ़ दो, रिवाइज कर दो है ना, जल्दी जल्दी भागने का प्रयास मत करना, मेरे साथ चलना ना आगे ना पीछे, तो बराबर इसे काम होता है, हाँ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च चल रही है अलग अलग, एग्रीकल्चर सिचुएशन इन इंडिया ये इम्पोर्टेंट लगा लेना इस पे, एग्रीकल्चर सिचुएशन इन इंडिया ये वाले जनरल इम्पोर्टेंट है, न्यू दिल्ली सारे करंट एग्रीकल्चरल ये भी कहाँ से आ रहे हैं, करनाल, फार्मर एंड पार्लियामेंट न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से आ रही है, इंडियन डेयरी पार्लियामेंट न्यू दिल्ली ठीक है, तो ये जनरल में एक ही कर लेना बहुत है, ज्यादा नहीं करना, ये कुछ अवार्ड है ना जो मिलते हैं, ये अवार्ड भी मैं बढ़ा पाऊंगा क्योंकि आप लोगों को अवार्ड सारे याद होने चाहिए है ना, कौन सा कब टपक जाए, हरिओम आसाराम, फिर भी मैं बता देता हूँ, हाँ हरिओम आसाराम अवार्ड है ये किसके लिए मिलता, ठीक है देखो तीन क्वेश्चन आते हैं,
तो वो एक क्वेश्चन अपने पे नहीं आएगा, अपन से बस ये पूछेगा कि कौन सा अवार्ड किसके लिए मिलता है और इस बार किसको मिला। आ रही बात समझ? तो वो भी अपने को थोड़ा सा याद करना है ना। चल पब्लिक रिसर्च इन क्रॉप साइंस, क्रॉप साइंस में जो भी रिसर्च करी है उसके लिए अगर बेस्ट रिसर्च आपकी हो गई है तो आपको कौन सा मिल जाएगा बोलो? हरिओम। तो ऐसे याद रख लो कि हरिओम की रिसर्च बहुत अच्छी है, तो हरिओम वाला किसको मिलेगा रिसर्च? पंजाब राव देशमुख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब राव देशमुख फॉर वुमेन एग्रीकल्चर। वुमेन इन एग्रीकल्चर बोले, पंजाब की वुमेन बहुत अच्छी है, ऐसे याद कर लो। तो पंजाब राव वाला किसको मिलता है? वुमेन इन एग्रीकल्चर। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बेस्ट वर्क इन पीएचडी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। देखो कोई भी अगर बच्चा बहुत ही अच्छा पीएचडी में कोई वर्क करता है, पीएचडी में आपको रिसर्च करनी पड़ती है, तो अगर उसके रिसर्च पेपर बेस्ड है, उसके कुछ नई चीज खोजी है पीएचडी के साथ, तो उसको कौन सा मिल जाएगा? है ना, अपने यहाँ मिलता ही नहीं क्योंकि अपन इतना अच्छा करते ही, अपन बस पास होने का सोचते हैं। जगजीवन राम किसान, जगजीवन है जगजीवन राम किसान, ये दो अगर इनोवेटिव फार्मर है ना उनको मिलता है। जगजीवन देखो ऐसे याद रखो, एक था जग और एक था जीवन, दोनों ने कुछ नया बना दिया। इनोवेटिव मतलब कुछ नया, ऐसा ही नहीं है कि जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं वो सब फोन कर रहा है साइंटिस्ट। तुमने इंडिया में वर्ल्ड सुना ना, जुगाड़ बना दिया उसने, ऐसा जुगाड़ ये वो, तो किसान भी हर कुछ करते रहता है नए नए उसकी जरूरत के हिसाब से, क्योंकि उसको पता है यार ये जरूरत है और अपने से ये हो ही नहीं रहा तो खुद से ही बना देगा। एक बंदे ने बना दी बुलेट संधि, क्या बना दी? बुलेट संधि। अब बुलेट संधि कुछ नहीं है, जहाँ ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर घूम रहा है उसके पीछे छोटा कल्टीवेटर घूम रहा है। पुरानी जो बुलेट थी ना डीजल वाली, बुट 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 वाली, बुलेट संधि बन गई। एक डेढ़ लाख कीमत, अब जो किसान ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता 5-6 लाख का, वो क्या खरीद ले बोलो? बुलेट संधि। आ रही क्या पास? तो ऐसे नए नए इन्वेंशन। चौधरी चरण सिंह अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एक्सीलेंस जर्नलिज्म इन द स्पोर्ट। अगर अच्छा पत्रकार है और किसान, देखो जर्नलिज्म के भी टाइप्स है, कोई भी न्यूज चैनल आप देखोगे, हाँ हमारे इकोनॉमिक्स को यानी अर्थशास्त्र को कवर करने वाले पत्रकार ये है, खेल को पत्र कवर करने वाला पत्रकार अलग है, वैसे हर चैनल में एक एग्रीकल्चर को कवर करने वाला पत्रकार है। अब वो कुछ अच्छी एक्सक्लूसिव न्यूज पहुंचाता है तो उसे कौन सा अवार्ड मिल जाएगा? चौधरी चरण। ठीक है, ऐसे और दो चार अवार्ड है उनके बारे में। अब हर क्रॉप अच्छी है ये बात अलग है, पर हर क्रॉप में कुछ ना कुछ टॉक्सिक भी रहता है, तो किस में क्या टॉक्सिक है इस पे क्वेश्चन आते ही रहता है इस टेबल में से। आ रही बात समझ? तो अपना जो नोट्स है ना बेटा, ये बहुत जगह का सार है कि ये टॉक्सिक इसमें, जब टेबुलर फॉर्म जो है ये बेस्ट है याद करने का, जितनी ज़्यादा देर तक टेबल याद रहती उतना ज़्यादा अलग से याद नहीं रहता। तुमने पूरी क्रॉप पढ़ ली, फिर आपने ग्राउंड नट पढ़ी, तब पढ़ा कि ग्राउंड नट में ये है, फिर उसमें ये है, तो उससे भी सार निकल के ये आया कि आपको टॉक्सिक की डायरेक्ट पता होनी चाहिए। तो आपके पास एक टेबल दिख रही है आपको ना कि किसमें कौन से टॉक्सिक है, सीधे सीधे याद कर लेना। हाँ, गॉसिपॉल, गॉसिपॉल किसमें रहता है? न्यूरोटॉक्सिन। हाँ, ये रहता है लथायरस। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें वो खेसारी बोलते हैं इसको, पहले जो जो ज्यादा लथायरस की दाल है ना, तो दाल जब इसको ज्यादा खाते हैं तो ये न्यूरोटॉक्सिन मतलब वो लकवा अकवा मार देता है, ठीक है, दिमाग पर असर करता है। यूरूसिक एसिड, यूरूसिक एसिड है वो, है ना, यूरूसिक एसिड किस सीजन में मिलेगा? सरसों वाले, है ना, सरसों का तेल भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए। सरसों में एक और दिक्कत है तुम्हें पता है क्या? क्या वो भीड़ वाली, कौन सा भीड़ मिल जाता है नहीं पता, चलो भीड़ में पड़ेंगे। कोइट्रोजन, हाँ, सोयाबीन, सोयाबीन में होता है, इसलिए अपन सोयाबीन की दाल नहीं खाते हैं। अपन काय की दाल खाते हैं? अरहर, अरहर समझते हो ना, नहीं तुअर, तुअर वाली जो दाल, सोयाबीन और ज़्यादा उसमें और ज़्यादा प्रोटीन है, पर क्यों नहीं खाते क्योंकि उसमें ये डिसीज वाली दिक्कत, उसमें टॉक्सिक होता है। सेपोनिन प्लांट ईस्ट, हाँ ये सेपोनिन वाला किसमें है? अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा और ग्लूसर, अल्फा अल्फा मतलब बेटा बरसी और ग्लूसर। अब ये क्या होगा, देखो अगर आपने बरसिंग और टूसर पशु को ज़्यादा खिला दी तो अंदर ज़्यादा गैस बनेगी, फिर उसको एक डिसीज हो जाती है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है उसको टिम्पेनिटिस, कौन सी हो जाती है? टिम्पेनिटिस। नहीं आया समझ? ऐसा आएगा समझ, ये युग एक गैस लाया नहीं, दिन भर चारा खिलाया दे धर के बरसिंग और टूसर, बोले अभी नहीं अभी पेट नहीं भरा और खा लो, तुम तो हमारे दोस्त ऐसा वैसा, वो भी भूखी आई थी कहीं से, खाए जा रहे जो पेट फूलने लगा, खुश हो गया कि एक ही दिन में मोटी हो रही है ना,
बहुत मोटी हो रही, तो इसको डर लगने लगा कि अब फटना जाएगा, क्योंकि वो गैस अंदर ज्यादा बनेगी और गैस ज्यादा बनेगी तो उसको एक डिसीज हो जाएगी, उसको अफरा बोलते हैं या बोलते हैं टिम्पेनिटिस, ठीक है। और उसमें पेट को बजाओगे तो डम डम की आवाज आएगी, कैसी आवाज आएगी, हमने कहा पेट बस ढोलक बज रही है, ठीक है, फिर उसमें छेद करके गैस निकाल, ठीक है, दो जगह से गैस निकलती है, मुंह से भी गैस निकलती है और जगह से निकलती है और एक और जगह से उसको छेद करके निकाल, ठीक है। हाँ नेक्स्ट अफ्लाटॉक्सिन, अफ्लाटॉक्सिन होता है ग्राउंडनट, ठीक है, ये तुम वो दाने खा रहे हो और एक दाना सड़ा आ गया है ना, उनका स्वाद बिगड़ गया, वो किसकी वजह से हुआ, अफला एचसीएल ग्लूकोसाइड्स क्रूसिक एसिड ड्यूरिन, ये ड्यूरिन वाला होता है, ये सोरगम होता है, अरे बात सुन, और सोरगम में अगर ड्यूरिन ज्यादा होगा तो बस जब सोरगम छोटी रहेगी तब ड्यूरिन ज्यादा होता है, क्रूसिक एसिड बोलते हैं इसको, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, एचसीएल हाइड्रोसाइनाइड इसका तो क्या है, अगर एक हम पे क्वेश्चन जो आया था उसमें पूछा था कि ज्वार में क्या रहता है, तो साइनाइड रहता है, क्या रहता है, अब ज्वार की जरिए अगर आपके लोही है ना तो आप छोटा सा है तब नहीं खिलाना है, देखो एक ऐसा कहानी याद रखो, एक गाय गाय का बछड़ा खड़ा, गाय ने कहा बेटा अभी मत जाना हमारे ना, बोले मम्मी रोज रोज आप ऐसी दाने नहीं देती अपने लिए, तू भी है ना, फार्मर भी बोले अपन ही है, इनके पास एक फार्मर है उसके पास जो है एक ही गाय है बस, पर फिर भी वो चारा उगाने के बाद उसको नहीं खिला रहा और गाय भी समझ रहा है पर उसका बछड़ा नहीं मान रहा, बोले अपने लिए तो है इनके पास तो और कोई है ही नहीं सारा अपना ही, मैं तो अभी रहूंगा खाऊंगा, माने कहा बेटा क्या है इसमें अभी ऐसी, जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसमें एचसीएल का कंटेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर तो इसको खा लेना, और अभी अगर तुमने खाया ऊपर चला जाएगा। स्टेरॉइडल एल्कलॉइड्स पोटेटो में रहता है, सोलेनिन भी आलू में रहता है, सोलेनिन क्या होता है, जब वो आलू को अगर आप सनलाइट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है तो आलू हरा हो जाता है, देखा ना हरा वाला, तो उसको खाना ही नहीं है क्योंकि वो टॉक्सिक है, क्या बन जाएगा, सोलेनिन बन जाएगा, अब बोले भी ना बने, ठीक है, आलू इसलिए क्या कर लो आलू का, जैसे एक आलू अपन ने बोया तो आलू का होना चाहिए जमीन के अंदर है ना, ऐसे ट्यूबर बनते हैं, ऐसे ट्यूबर, ट्यूबर अगर मिट्टी चढ़ी रहेगी तो सनलाइट डायरेक्ट उस पर आएगी क्या, नहीं आएगी, और अगर मिट्टी नहीं है तो सनलाइट डायरेक्ट आएगी, और डायरेक्ट आएगी तो कौन सा क्या प्रोड्यूस होगा, सोले में, इसलिए इसको ढक दो, ठीक है, ढक दोगे तो क्या होगा, सोले नहीं, और ढकना अर्थी मिट्टी चढ़ाना क्या कहलाता है, अर्थी में ध्यान रखना हरा आलू नहीं खाना है, मम्मी से कह देना फेंक दो इसको, ठीक है, हरी तो ही मत ना देख के खरीद, ठीक है, तुम जाते हो दो किलो चढ़ाने चढ़वा लिए, चल हो गए क्या दो किलो भैया, चल हाथ से छाट के चढ़ाने, रेजिन्स मैंगो, मैंगो में होते हैं ना फाइबर वाले, एंटी विटामिन ई फैक्टर, फील्ड पी, फील्ड पी में रहता है, दो पी होते हैं गार्डन पी और फील्ड पी, पॉलीफेनोलिक्स सैफ्रन, सेफलाज में रहता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, फिजल पी, फ्रेंच बीन एंड सॉय, ये इनमें रहता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर दिक्कत दे जाएगा क्योंकि ट्रिप्सिन एक जो है प्रोटीन का फॉर्म अमीनो एसिड है ट्रिप्सिन, अब वो नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इन्हें भी ज्यादा नहीं खाना, इमेग्लुटिनेंस फ्रेंच पी, फ्रेंच पी में रहता है, लथायरोजेंस, लथायरोजेन लथायरस में रहेगा, यूकोनिसोनिक एसिड रैफिडनोसिन, पॉलीफेनोलिक्स ये सब छोड़ दो, कुकुरबिटियन, कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेस में रहेगा, देखो अभी तक क्वेश्चन आया अफ्लाटॉक्सिन पे ना, ग्राउंडनट वाला जो दिख गया, गॉसिपॉल पे, ठीक है मिल गया, एससीएल वाला सोरगम पे, बस ये चार पांच याद रहते हैं, ठीक है, वो लूसन वाला आया था ना एक और, लूसन और पश्चिम वाला कौन सा था, सेफोनिक, और एक इनुसिक एसिड रेप्सिडेंट मस्त जो शुरू शुरू में दिए वो याद, ऑक्सैलिक एसिड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सैलिक और ऑक्सैलिक एसिड था, ऑयल मिलेट एंड लीपियम, हाँ हो गए, आगे सीड रेट है, कुछ कुछ ये क्या अलग अलग सीड रेट, हम एक पूरा चार्ट पढ़ेंगे पर ये कंफ्यूज करती है इसलिए, हाँ सीड रेट ऑफ हाइब्रिड क्रॉप्स बीटी कॉटन 1.5, देखो बीटी है तो बीटी में कितना है 1.5 और हाइब्रिड कॉटन है तो कितना हो जाएगा, देखो 2 है ना, तो ये छोटी सी बात है बार बार कंफ्यूज करती है, ध्यान रखना बीटी में बिंदी लगा देना बी डॉट टी तो 1.5 और हाइब्रिड में कितना करना है तो 2,
हाइब्रिड राइस 10 to 50 अब देखो बहुत सारी राइस में अलग अलग जगह अलग अलग रहेगी, ब्रॉडकास्टिंग में अलग, मिलिंग में अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, और धीरे से पूछ लेगा वो हाइब्रिड है ना, तो हाइब्रिड वाले के लिए सीड रेट अलग। अब जब हम राइस क्रॉप पढ़ेंगे तो सारी सीड रेट एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। हाइब्रिड वीट 65 नॉर्मली वीट की रहती है 100, पर हाइब्रिड पूछ ले तो 65। अच्छा एक चीज और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हाइब्रिड की हमेशा जो नॉर्मल सीड रेट है उससे कम ही रहेगी, वो तो क्या रहेगी, कम। हाइब्रिड बेस ही एक ऐसी है जिसमें हाइब्रिड की ज्यादा है और कंपोजिट की क्या है, कम। अभी आगे सिखा देंगे ये सब, जब सीड रेट सिखा। न्यूट्रिएंट्स इन द सोर्स, हां न्यूट्रिएंट्स का था ये टेबल जो है ये मिलेगी आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर वाले, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि वापस हमें उधर याद करना है, ठीक है। ये मेजरमेंट कॉटन में, हाँ ये तो पता ही है तुमको ना, कॉटन जूट मेस्ट का 70, 80, 81, 80। इंस्ट्रूमेंट इन द यूज, ये मैं सिखाऊंगा तुमको ना, अभी छोड़ दो। कंपोजिशन ऑफ मेजर फर्टिलाइजर, मेजर फर्टिलाइजर्स का कंपोजिशन है। अब हम जब फर्टिलाइजर वाला सेक्टर पढ़ेंगे तब सारे याद ही करेंगे हम, फिर भी एक तो याद ही होना चाहिए कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना है, 46 है क्या, ठीक कर लो उसको, नहीं दिया नहीं, कंजप्शन है बेटा, ये पुराने डाटा ये रटने नहीं है, मतलब देखो इधर देखो 2010-11 में कितना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का कंजप्शन हुआ हमारी कंट्री में है ना, 12 में कितना हुआ, 13 में, तो हर साल बदलते रहता है, तो ये पुराना वाला डाटा हमें याद करना है क्या, बोलो नहीं करना, इस साल कितना हुआ ये, और ये बहुत हाई है, मतलब इतना अंदर नहीं जाता, हम तो यही पढ़ा रहता है हमसे कि यूरिया में नाइट्रोजन बता दो कितना है। लैंड यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री इन सम स्टेट्स, ये कंपैरिजन है इंडिया और एमपी का है ना, इसमें कुछ चीजें चेंज होती रहती, बाकी कुछ चीजें सेम है। देखो टोटल जियोग्राफिकल एरिया, तो पूरे वर्ल्ड का टोटल जियोग्राफिकल एरिया 329 मिलियन, इसमें किसके पास है, इंडिया के पास, और उसमें से भी एमपी के पास कितना है, 30.8, तो एमपी का पूछ ले कितना है, तो 30.8। नेट क्रॉप एरिया, नेट क्रॉप एरिया चेंज होता रहता बेटा, 143, हाँ ठीक है 140 के आसपास आए, पर अभी छोड़ देते हैं उसको। नेट इरिगेटेड एरिया, ये भी चेंज होता रहता है। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, ये भी थोड़ा चेंज होता रहता है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये चेंज होती रहती है। फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया ज्यादा चेंज नहीं हुआ, फॉरेस्ट एरिया देखो इंडिया में कितना है, 78.0, ये अच्छा परसेंटेज नहीं दिया क्या उसका, कितना है, कितने मिलियन हेक्टेयर है, 78, ये मैंने शुरू वाली क्लास में तुम्हें बता दिया ना, फॉरेस्ट एरिया चेंज हो गया है ना, हां नेक्स्ट 9.5 एमपी, एमपी में वेस्टर्न लैंड छोड़ दो ये सब। साइज ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग, हां ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1.41 हेक्टेयर, 1.41 कहां पर, इंडिया, इंडिया, और इधर 2.5, देखो ये घटते जा रही है, ऑपरेशनल होल्डिंग को घटते जा रही है, एक किसान था उसके पास 2 एकड़ थी, फिर उसके 2 बेटे हो गए, तो दोनों के पास कितनी हुई बोलो, 1-1 एकड़ है ना, तो ये वाला डाटा छोड़ देते हैं, आगे दूसरा डाटा आएगा वो मैं बता दूँ। पर कैपिटा एग्रीकल्चर लैंड, ये भी चेंज होती रही, मैंने बताया एवरेज रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल चेंज नहीं होगा, इंडिया का देख लो कितना है, 1190 है ना, कितना मिलीमीटर, और सेफ्टी पर पूछ ले तो 0 हटा देना, 119 होता है, एमपी में देखो थोड़ी सी ज्यादा होती है बरसात, 1089.2, अच्छा कम हो रही है ना, इंडिया की कंपैरिजन में थोड़ी कम। टोटल फार्म होल्डिंग्स, ये भी छोड़ दो, ये चेक होते फार्म होल्डिंग मतलब कितने किसान है, ठीक है, तो कम ज्यादा होते रहते, मैंने बताया किसान का बेटा आगे बढ़ेगा पीछे। रेनफेड एरिया, रेनफेड एरिया चेंज होते रहता है। एग्रो क्लाइमेट, हाँ ये चेंज नहीं होगा, स्पेस का लगा देना, इंडिया में एग्रो क्लाइमेट की जोन कितने हैं, 50, इंडिया में 50 है ना, 50, और इधर एमपी में कितने हैं, 11, और ये स्टेट वाले हैं ना, कोई ब्रैकेट में कुछ लिखे हैं क्या, स्टेट आईसीआर लिखे हैं, हाँ आईसीआर क्या बोल रही, ठीक है, और एमपी में एसएससी, एसएससी मतलब ये सी अपने स्टेट वाले, देखो इंडिया में बोले तो 15 और एमपी में स्टेट वाले बोले तो कितना, 11। फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज में दिया हुआ 23.8, हाँ देखो इंडिया में कितने परसेंट है, 23%, मतलब इंडिया के कुल एरिया का 23% क्या है उसके पास, फॉरेस्ट है, और एमपी में 30.73, और होना कितना चाहिए, 33%, लिख लो आगे 33%, तो दोनों काम है ना,
अच्छी बात यह है कि फॉरेस्ट एरिया कंट्री में बढ़ रहा है। बोलो घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। आ रही बात समझ? थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, पर बढ़ रहा है, अच्छी बात। और ओजोन लेयर भी जो है खुद से सही हो रही है, रिपेयर हो रही है। जितना अपन ओजोन लेयर के लिए कौन जिम्मेदार है? CFC। बोलो क्लोरो फ्लोरो कहाँ से निकलता है? रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह, इसलिए AC मत। दुनिया का टोटल एरिया है उसमें हमारे हाथ कितना लगा? बस 2.4। और पॉपुलेशन देखो 17.5। ठीक है, एरिया 2.4 ही आता होगा, पॉपुलेशन कितनी होगा इससे रखा, आधी तो गिनती नहीं है। ठीक है, चलो लाइव स्टॉक 15%। लाइव स्टॉक में हम फर्स्ट है, लगभग 15 से 20 के बीच इसका डाटा घूमता रहता है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक मतलब गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब कहाँ है? भारत में। भारत पशुओं का देश है। इसका देश है बस। हम सब भी क्या है? मैंने ऐसा नहीं कहा, हम सब तो इंसान हैं। देखो यूनियन सबसे बेस्ट वाली चीज है बस, कोई बात नहीं। चल फॉरेस्ट 1.5%। हां टोटल फॉरेस्ट का अगर आ जाए तो 1.5। इंडिया पोजीशन ये मैंने बता दी तुमको कि किस में हम फर्स्ट है, किस में सेकंड है, थर्ड है। तो यहां से पोजीशन नहीं रखनी है, वहां से मैंने टेबल बताई थी ना तुम्हें शुरू में। साफ हो गई सब, बता दिए भैया। ये बनाना में फर्स्ट थे, मैंगो में फर्स्ट थे, है ना? ये चीजें पहले ही सिखा चुका हूँ मैं, इसीलिए ढंग से नहीं करा रहा, फटाफट करा रहा। अगर तुमने नहीं करी तो कोई बात नहीं, वीडियोस पढ़ेंगे इनके यूट्यूब पे, थोड़ा सा जाके देख कर लेना। अरे बस फोन तो तुम चलाते हो? नहीं चलाते? अरे चलाते, मैंने देखा 4 स्टूडेंट को गलती से कभी मैसेज करता हूँ, एक सेकंड नहीं लगता रिप्लाई यार, धड़ से रिप्लाई, जैसे कि मोबाइल लेके बैठे हो। सही बात। फर्स्ट पोजीशन इन, हाँ देखो कुछ सोशल साइट्स छोड़ सकते हो, जैसे फेसबुक छोड़ सकते हो आप, कोई मतलब की नहीं है, है ना? इंस्टाग्राम तो नहीं छूटेगा तुमसे, और फेसबुक छोड़ सकते हो क्योंकि पुरानी फैशन हो गई, कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत समय बर्बाद ही करना है तो बाइक से कर लो इंस्टा, और मैंने वो भी छोड़ रखा। ठीक है, मेरे पास दो ही सोशल लिंक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप और यूट्यूब। तो देखो यूट्यूब पे मैंने कम से कम 40 से 50 एग्रीकल्चर वाले चैनल सब्सक्राइब कर रखे, तो वही वही आता है फीड पे भी, जो आता है ना रोज रोज आपकी न्यूज़ पे आता है, क्या बोलते हैं उसको, टाइम लाइन पे, तो उस पर भी एग्रीकल्चर ही आता रहता है। कोई भी इवेंट होगा पता चल जाएगा, क्योंकि एक ही 40-50 चैनल में से 5-6 चैनल बता देते हैं ये हो रहा है। फिर एक दो करंट वाले कह रहे हैं कि भाई कौन अजरबैजान के या कर रहा है क्या कर रहा है। ठीक है, और दो चार पॉलिटिक्स वाले कर रखे हैं जो कि अच्छे लगते हैं, और एक दो इंग्लिश न्यूज पेपर चालू कर रखे हैं, है ना, इंग्लिश वाले जो न्यूज वाले चैनल हैं। ठीक है, उसमें भी ऐसा नहीं वो दिखा रहे सनसनी, है ना, सन्नाटे को चीज दिन सब, वो फालतू के काम नहीं अपने पास। मैंने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज वाला एक डाउनलोड कर रखा है, उसमें सुबह एक बुलेटिन आता है जिसमें बिल्कुल एक लाइन आती है, प्रधानमंत्री ने आज यहाँ का दौरा करा, इसका उद्घाटन करा, और वही इम्पोर्टेंट है ना। फालतू का कचरा नहीं, देखिए ये मर गया वो मर गया, फालतू के देखने ही अपने पेपर पढ़ रहे, पेपर में ऐसे नहीं पढ़ना लेके बैठ गए। ठीक है, दो लोगों ने की करी हत्या पुल के नीचे फेंका, तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट है? फ्रंट पे देखना है, उसमें भी बस हेडलाइन देखनी है, और वो मोटे मोटे लाइन दे देता है, अरे बात वो देखना फेंक देना। चलो वैसे भी हिंदी न्यूज पेपर में कुछ आते ही बेटा, इंग्लिश न्यूज पेपर पढ़ो तो दुगना फायदा, इंग्लिश भी अच्छी होती है और आर्टिकल भी अच्छा आता है। वैसे पढ़ना ही नहीं तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही पढ़ लो। फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल है जिनके वो आते रहते हैं ऑब्जेक्ट, है ना, उनको सब्सक्राइब कर, एग्रीकल्चर डालो तो बहुत सारे आ जाएंगे, ज्वाइन कर लो चैनल, क्वेश्चन आते रहते क्लिक करते रहो। मैं खाली बैठे बैठे यही करते रहता हूँ, रात में 2-5 मिनट पहले 4-4 क्वेश्चन आने लगा दिए, है ना, तो हर कहीं से क्वेश्चन आते रहते। चलो इसलिए अगर आप सही यूज करोगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे जहाँ भी आपको दिखे फला ग्रुप, जय राजपुताना ग्रुप, हमारे इसमें बहुत चलता है, महाराणा ग्रुप, फटाक तुरंत लेफ्ट करो, बोले जाति को पीछे छोड़ आया। ठीक है, नए लोग हैं, नया देश बनाएंगे, बात समझ में आ रही है? जाति के जो ग्रुप चलते हैं वो सारे लेफ्ट करो तुरंत, कोई भी पार्टी वाला ग्रुप है बोले हम BJP हुआ मोर्चा, बोले कोई मोर्चा वोर्चा नहीं, हम इधर BAP में बोलेंगे मोर्चा।
पटाख से तुरंत लेफ्ट करो, जितनी जल्दी जुड़े रहे और जिसने जोड़ा ना उसको समझा। बात समझ में आई? बोले ये झंडा पकड़ो, वो झंडा, तुम अपना झंडा पकड़ो, समझ में आई ना? वो ना तो दूसरे ये पेट्रोल नेता के लड़के हो, ये पेट्रोल वेट्रोल चला देंगे, रेडियो में जाओ यहाँ कुछ नहीं करता फालतू के काम। उससे अच्छा अपने माँ बाप की बात बोलो, तो मम्मी को धीरे बोलो।